नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं जो कि एकदम मस्त वीडियो होने वाली है और आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं लाइव प्रूफ के साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे एक मेल आया हुआ है मेरे में, मैं उसको आपको दिखा देता हूं पहले, उसके बाद में वीडियो के बारे में आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ई बिल करके एक मेरे पे मेल आया हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे आप, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ व्यूअर पे खोल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जो देख कर आप शॉकिंग में हो जाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए क्या ऐसा भी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में क्या करेंगे, अपने जन्म तिथि का जो वर्ष है वो डाल देंगे, जैसे 199, और जो मोबाइल नंबर आपका है उसका लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद ओपन कर देंगे। अब जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके आपने जिस महीने का कॉल डिटेल मंगवाया था, उस महीने का कॉल डिटेल पूरा, उस महीने का कॉल डिटेल पूरी तरीके से यहाँ आपके सामने है। किस किस नंबर पे बात हुआ है, कहाँ कहाँ बात हुआ है, कितने समय बात हुआ है और किस टाइम बात हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कैसे सब कुछ होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ, बस वीडियो में आप बने रहिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा। आप किसी भी एयरटेल नंबर का, किसी भी महीने का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 10 सेकंड में। आपका मोबाइल नंबर जो है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है, और आप अपने महीने के लास्ट जो 6 महीने बीत चुके हैं उसी 6 महीने में से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। इस तरीके से आपने देख लिया कि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि आप अपने किसी भी एयरटेल मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल कितने आसानी से और केवल 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कभी होता होगा कि आपकी जीअप जो है वो नाराज हो जाती है या किसी से बात करने लगती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं इसका कॉल डिटेल कैसे निकाल पाऊँ, किससे किससे बात करती है, तो इसी का सलूशन मैं लेकर आ गया हूँ और इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। या फिर आपके घर का कोई मेंबर है जो किससे बात कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर का डिटेल निकालना हो आपको, तो कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं सब बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आप कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि आप अगर कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो जान नहीं पाएंगे कुछ भी और वीडियो को फेक मान लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। चलिए अब आगे मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा ये, कैसे आप निकाल सकते हैं किसी भी एयरटेल मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल, वो भी एक क्लिक में। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मैसेज में, मैसेज में जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आपको टाइप करने होंगे कुछ मैसेज। अब यहाँ पे जो मैं टाइप करने रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मेन रोल है इसका, इस वीडियो का पूरा मेन रोल इसी में है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 121 लिख लेना है, टू में जहां जिसके पास आप जैसे भेजते हैं तो किसी का नंबर लिखते हैं वहां पे आपको लिख देना है 121। उसके बाद में मैसेज में आपको क्या टाइप करना है, क्या लिख के भेजना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए लिखना है आपको ई, कैपिटल में ई लिख देना है, उसके बाद कैपिटल में ही प्री लिख देना है, PRE। उसके बाद में आपको कैपिटल में ही बिल लिख देना है, BILL। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस देना है। उसके बाद जिस महीने का आप निकालना चाहते हैं, पिछले 6 महीने में जिस महीने का आप निकालना चाहते हैं, उस महीने का 3 डिजिट केवल आपको इंग्लिश में लिख देना है। जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ पिछले महीने क्या था, अभी चल रहा है जुलाई, तो उसके पहले था जून, तो मैं लिख देता हूँ JUN, 3 डिजिट केवल लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके बाद में लिखना है अपना जो एक ईमेल नंबर है, आपका जो एक ईमेल कोई है जो चालू हो प्रेजेंट टाइम में आपके मोबाइल में लॉग इन है, वो ईमेल यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं अपना ईमेल टाइप कर चुका हूँ। अब आपका नंबर कौन सा है, एक नंबर पे लगा है या 2 नंबर पे लगा है, एयरटेल नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लिया जाए, मैं मान लीजिए कि एक नंबर का चाहता हूँ, तो एक नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके एक एसएमएस सेंड हो जाएगा, और जैसे ही एसएमएस सेंड होगा उसके बाद आपको एक मेल आएगा। तो देखिए हमें एक रिटर्न मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे हमें एक रिटर्न मैसेज आ चुका है। अभी टाइम हो रहा है 2:49 और 2:48 पे मैसेज आया है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ हाय ई बिल फॉर 9005, मतलब एक जो मैं नंबर दिया हूँ वो नंबर लिख के आ गया है, द मंथ ऑफ जून 2021 हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, जिसका जो पासवर्ड है उसी मैसेज में लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना है आपको कि वो जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से मैसेज भेजना है जिस मोबाइल नंबर का आप कॉल डिटेल चाहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब मैं चलता हूँ अपने ऊपर स्लाइड करता हूँ, देखता हूँ मेल आया कि नहीं आया।
अब यहाँ पे देख लीजिए आपका मेल दिखाई दे रहा होगा, अभी एक मिनट पहले आया है। इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, आप पीडीएफ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगा, थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद में ओपन होने के लिए आ जाएगा। अब जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे आप एक पासवर्ड मांगेगा, तुरंत एक पासवर्ड मांगेगा। अब वह पासवर्ड में आपको मैसेज में दिखाई दिया होगा 2000, तो 2000 में टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है 7423। ये जैसे मैं टाइप करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा पीडीएफ ओपन हो जाता है और आपको यहाँ सारे कार्ड डिटेल दिखाई देते हैं। जितना भी कार्ड डिटेल है आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना भी है मेरे मोबाइल नंबर पे जितना भी बात हुआ है सारा कार्ड डिटेल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जीएफ का या अपने घर के फैमिली का किसी का भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, उसके बाद में पता कर सकते हैं इस नंबर से किस किस नंबर से बात हो रहा है और कितना कितना समय बात हो रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।